हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आपकी क्लास के कोई से भी 10 बच्चों की हाइट हमें देखनी है और फिर उनकी रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइट हम सेम यूनिट में ही मेजर करें, तो हम सेंटीमीटर में करते हैं। तो सबसे पहले ए की हाइट सपोज 140 सेंटीमीटर है, बी की कितनी है 139 है सपोज, सी की 138 सेंटीमीटर है, ये सबकी सेंटीमीटर में लेंगे हम, डी की 145 है, ई की 150 है, एफ की 152 है, जी की 135 है। कितने हो गए? 7 बच्चे हो गए। आई जे है ना, ये बच्चे हैं सारे हमारे। अब नेक्स्ट कितनी है और 142 सेंटीमीटर है सपोज एच की, और आई की सपोज 134 सेंटीमीटर है, जे की 152 सेंटीमीटर है। ये हमने रैंडम डेटा कलेक्ट कर रहा है सपोज, ये सबकी सेंटीमीटर में है। आप मेजरिंग यूनिट लिखना मत भूलिएगा। अब इसे पूछा है रेंज, रेंज मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा हाइट में जो बच्चा है उनका डिफरेंस। तो इसमें सबसे कम हाइट किसकी है? ये है 138, फिर उससे कम 135, उससे कम 134, आई की सबसे कम है, और सबसे ज्यादा यहाँ 152 है, ये भी 152 है। तो सबसे ज्यादा हाइट कितनी है? 152 दो बच्चों की है। तो मतलब हाइट कितनी है क्लास में 10 बच्चों की? 134 से 152 सेंटीमीटर के बीच में सबकी हाइट है। तो रेंज क्या हो गई? हाईएस्ट 152 माइनस 134, 18 सेंटीमीटर इज द रेंज ऑफ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। जो सबसे छोटा बच्चा और सबसे लंबा बच्चा है उनकी हाइट में 18 सेंटीमीटर का डिफरेंस है।